all the parties. Have you seen this? Especially this guy who करता है बहुत ज़्यादा जो टीवी पे भी आके आवाज़ करता है. And you go from where? I am from Delhi. I am a doctor by profession. I lost my. Can you speak in Hindi? Okay. कोविड जब पहली आती है, कोविड की पहली जब आई, सिवाय मेरी 74 साल की माँ मैं बचे, पूरा परिवार खाली, बीवी गई, दोनों बच्चे गए, मेरे बेटा गया, मेरी बेटी गई, मेरे बाप गया. कौन सा पर्सन आया था उस समय? ना एमएलए, ना एमपी, शर्म नहीं आती, नहीं आती बीजेपी को, मेरे मनोज तिवारी को या मेरी एमएलए महारानी सविता सिंह को शर्म नहीं आती. उसके बच्चों को मैंने बचाया डॉक्टर होने के नाते, उसके बच्चों को जाके जो हॉस्पिटल में मैंने बचाया, मेरे बच्चों को तुम में से किसने बचाया? सबको जाके अभी के अभी कोविड होना चाहिए आप लोगों को. एंड राहुल गांधी की माँ एजुकेशन पॉलिसी लाई, ये लाई, बोली अपने बच्चे को तो नहीं बढ़ा पाई. Why the education policy has not applied to the Rahul Gandhi person who is pappusing in the world? किसी को किसी के बारे में अपमानजनक भाषा बोलने का अख्तियार नहीं, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत दुख है कि बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया. डॉक्टर डॉक्टर मैं आपके साथ बहुत सहानुभूति रखता हूँ, परिवार के साथ सहानुभूति रखता हूँ. आपने अपने परिवार के बहुत सारे लोगों को खोया है, इसलिए मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ. लक्कड़ मिली है जलाने के लिए सड़क के दोनों बच्चों को, 5 किलो लक्कड़. एंड देयर वाज नो बॉडी दी एशेस वर गिवन बिकॉज ऑफ द कोविड-19. सौ सालों में दुनिया ने ऐसा विभीषिका नहीं देखी. मैं समझता हूँ जिसके ऊपर बीता हो गई, जिसके ऊपर आज स्वतंत्रता दिवस, आज हमारा कानून आया था, आज हमारा संविधान आया था, जरा सुनिए जाके कि कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क नहीं बनाना चाहिए आप लोगों का. ऑफकोर्स होना चाहिए. प्लीज ऑफकोर्स होना चाहिए. और जो व्यक्ति बहुत परेशान है, जो बहुत दुखी है, जो तड़प रहा है, उसको बोलने का अख्तियार भी है. उसके शब्दों को माफ करिएगा प्लीज. रुकिए, 2 साल से क्या आप 14 बरस का बनवास हुआ था, 14 साल करो वेट, 14 साल के लिए तुमको निष्कासित किया है. रुको रुको डॉक्टर साहब, सहानुभूति है. 100 सालों में ऐसी विभीषिका पूरी दुनिया ने नहीं देखी जैसा देखा. लेकिन ऑफकोर्स यू हैव लॉस्ट योर एंटायर फैमिली, होना ये चाहिए था कि हमारे पास बेहतर इक्विपमेंट होने चाहिए थे. लेकिन दुनिया में तो सबसे बड़े मेडिकल, जो दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल के बारे में कंट्री थी, वहां भी वही चीजें हुई. लेकिन ऑफकोर्स किसी भी एमपी को किसी भी एमएलए को कहना आसान है इस वक्त, लेकिन उस चीजों का मूल्यांकन करिए जब बेड भी नहीं मिल रहे थे और डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे. आप खुद डॉक्टर हैं, आपको चीजें बहुत बेहतर मालूम है. बहुत कठिन समय हम सब लोगों ने देखा है. ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दौर फिर किसी दुश्मन को भी ना दिखाए. ऐसा दृश्य हमने देखा है. डॉक्टर साहब, पूरी सहानुभूति है आपसे और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप एक गिलास पानी ला के दो. डॉक्टर साहब, पानी की बोतल दो. नहीं ना, ऑफकोर्स सर, ऑफकोर्स सर, यू नीड. थैंक यू सो मच जी. कुछ रह गया था, सब लोग तितली वाली कविता सुनने आए हैं, सुना दूं? कौन सा? तितली वाली. इतना मारे कान के नीचे तितली वाली. कल गया तितली गई. तितली कौन सी कहानी कविता सुननी है? तितली वाली कविता सुनाइए मैडम. तितली वाली कविता. तितली अपना दिलवर ढूंढने निकली पंख पसार के, दक्षिण से आई है उत्तर दिल्ली एनसीआर में. ले पकड़ लो तितली जी. देखिए, जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ ये वाकई दुखद घटना थी और हम सभी लोगों के परिवार कहीं ना कहीं इस ऐसी परिस्थिति से दो चार हुए हैं और पीड़ित हुए हैं. देखिए, जब देश में ऐसा माहौल था तो उस समय मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, मेरे देश का प्रधानमंत्री एकजुट होकर के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश को एकजुट कर रहे थे, देश को यथासंभव संसाधन उपलब्ध कराते. और उस समय विपक्ष क्या कर रहा था प्रतीक जी बताइए, उस समय जो हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का इजाद किया था, ये विपक्षी उस पर भी सवाल उठा रहे थे. ये लोग, इन्होंने कितनी जागरूकता फैलाई. मैं उस बहस को यही समाप्त करता हूँ. सारे कंट्रीब्यूशन, सबको सारी चीजें मालूम है, सारी चीजें मालूम है जी. ऑफकोर्स मालूम है जी. बार बार यहाँ पे अवधेश जी और तमाम लोगों ने कहा कि भाई वो चले गए, बड़ा नुकसान सा हो गया. देखिए, कांग्रेस संगठन, जिस समय कहा जा रहा है कि कांग्रेस का सबसे बुरा दौर है, कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस को, आप देखिए 2014 का चुनाव,
2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 करोड़ वोट मिले थे, हाँ 15 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, सच्चाई है। 2019 कांग्रेस के लिए सबसे बुरा दौर था, उस समय 22 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी पाती है, लेकिन उस पूरे दौर में भी 2 करोड़ वोटों में कांग्रेस ने वृद्धि की थी, 12 करोड़ की वृद्धि, यानी उस समय भी 12 करोड़ वोट कांग्रेस लेके आई थी। तो सबसे बुरे दौर में इस समय गुलाम नबी आजाद जी को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का कब तक महिमा मंडन करोगे भैया? 49 चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े गए और कितने जीते आप लोगों ने, कितने जीते? धृतराष्ट्र मत बनो, गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी मत बांधो भैया। आप ये दुर्योधन को जिस तरह से दुर्योधन को प्रश्रय दे रहे थे, इसी तरह राहुल गांधी को प्रश्रय दे रहे हैं। 1999 में अच्छे उदाहरण एक ही महिला वहाँ पर स्थापित है, परिवार की, एक ही परिवार का बेटा एक बार अध्यक्ष बना है, क्या कोई नहीं है उस पार्टी में? मैं नहीं कहता कि इनके आंख में पट्टी नहीं है, अच्छी बात है, ये भी जिसका बांधना है बांधे, लेकिन दूसरे पर प्रश्न लगाए। सच्चाई है कांग्रेस पार्टी एक बेचारी के आधार पर काम कर रही है। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा संगठन है, और हम भारत छोड़ो यात्रा के साथ देश में जो जिस तरह से ये विखंडन की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। सत श्रीकाल भाजी, आज नहीं हो पाएगा, आज तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैम आप कहाँ से आए थे? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के? कल परसों में आप दिल्ली से हैं, कल परसों में अगर मौका लगे तो आइएगा जरूर।